नमस्कार दोस्तों, मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अरवी की भाजी का रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने इसको उबाल लिया है, पहले उबाल के रख लिया है। आप कच्चा भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने उबाल लिया है, उबाल के बना रही हूँ। इसके लिए मसाला ये हमारा घर का बना हुआ मसाला, जिसमें धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, सब गरम मसाले हैं पूरी इसमें। ये कश्मीरी लाल मिर्ची है आधा चम्मच ये, और ये तीखी लाल मिर्ची है एक चम्मच, हल्दी पाउडर है, नमक है, और ये टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये मेथी दाना है, और ये कांदा है कद्दूकस कर लिया है, ये लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट है, और ये हरी धनिया है, और ये मेथी है। इतने ही मसालों की जरूरत इसमें पड़ती है। चलिए फिर मैं आपको छील के दिखाती हूँ कैसे छीलना है। ये उबला हुआ है, इसको ऐसे छीलेंगे बड़े आराम से इसका छिलका निकल जाएगा, और इसकी भाजी बहुत टेस्टी होती है। इसको कच्चा भी बना सकते हैं, थोड़ा दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है, थोड़ा फर्क पड़ जाता है टेस्ट में। चलिए फिर मैं पूरा आपको छील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए ऐसे ही छीलना है इसको, बड़े आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। मैं छील के आपको दिखाती हूँ। अरवी को मैंने अच्छे से छील लिया है, और इसको चार भाग में, एक अरवी को चार भाग में काटा है। आप चाहिए तो इसको गोल गोल भी काट सकते हैं, मैंने लंबे आकार में काटा है, इसको गोल भी काट के बनाते हैं, अच्छा लगता है। अब चलिए हम गैस को चालू कर लेते हैं और तेल को गर्म कर लेते हैं। तेल तो हमने कढ़ाई में डाल लिया है, और मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है इसमें। सरसों के तेल में अरवी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सरसों के तेल में ही इसको बना रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे उस तेल में बना के खाइए। रिफाइंड में अगर आप बनाना चाहते हैं तो रिफाइंड में भी अच्छा लगता है। अब मैं हींग डाल लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अरवी है तो इसमें हींग की तो बहुत जरूरत है। और ये मेथी डाल लेती हूँ, मेथी जैसी हल्का सा कलर बदलेगा। मैं कांदा डाल लूंगी, कांदा को मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। कांदा इसलिए पहले डालूंगी कि कांदा अच्छे से भून जाएगा, फिर इसमें टमाटर का जो कद्दूकस करके रखे और टमाटर को डाल देते। अभी दोनों को अच्छे से भून लेते, खूब अच्छे से भून लेते हैं इसको। और फिर इसके बाद हम सब मसाले क्या क्या डालना है वो डाल देते हैं। लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट है ये डाल देते हैं, और गरम मसाला, धनिया पाउडर सब ये डाल देते हैं दो चम्मच। जितनी आपके पास सब्जी हो वही हिसाब से आप डालिए। आपके पास सब्जी अगर कम है तो कम मसाला डालिए, ज़्यादा है तो ज़्यादा, और जैसा आप खाते हो, कम खाते हो तो कम डालिए। और ये लाल मिर्ची पाउडर है ये डाल लेते एक चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है कलर के लिए वो डाल लेते आधा चम्मच, हल्दी पाउडर है ये भी डाल लेते हैं आधा चम्मच, और ये नमक है अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिए, नमक भी डाल लेते हैं। अब सब मसालों को हम भून लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए, बहुत टेस्टी बनता है इसका भाजी। आप भी जरूर बनाकर एक बार खाइएगा, मेरी जैसा जैसा मैं बना रही हूँ ऐसा बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपको सूखा चाहिए तो आप सूखा भी बना के खा सकते हैं, और थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए तो वो भी बना के खा सकते हैं, दोनों में अच्छा लगता है। देखिए मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, मसाला एकदम अच्छे से भून जाएगा फिर अरवी को डालेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में, क्योंकि उबला हुआ है। अगर ये कच्चा रहता तो बनने में इसको थोड़ा टाइम लगता, लेकिन ये उबला हुआ है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनने में, और भाजी तो बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी। देखिए सब मसाले मैंने अच्छे से भून लिए, देखिए मसाले सब भून गया हमारा अच्छे से। मैंने नमक और मक्खन डाल लिया है इसमें, अब हम अरवी को डाल लेते हैं इसमें। मसाला अच्छे से भून गया, अब अरवी को डाल लेते हैं।
अरवी को भी थोड़ा सा इसको मसाले के साथ भून लेते हैं। थोड़ा मसाला अरवी भी अच्छे से भून जाएगी इसके साथ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। जितना आप मसाला खाते हैं वही हिसाब से डालिएगा। ज्यादा मसाला ना खाते तो ज्यादा मत डालिएगा, ज्यादा तीखा नहीं खाते तो ज्यादा तीखा भी मत डालिएगा अपने हिसाब से, लेकिन इसकी भाजी जरूर बना के खाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। अब थोड़ा सा पानी हम डाल लेते हैं। पानी ऐसे डालने की जरूरत नहीं है, भाप से भी बन जाएगा क्योंकि पका हुआ है। लेकिन इसलिए डाल रहे पानी क्योंकि ये थोड़ा सा मसाला जो है कच्चापन उसका वो खत्म हो जाएगा। बस ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, जरा सा डालेंगे मसाला पानी, बस इसका कच्चापन खत्म कर देंगे। अब आज को थोड़ा स्लो कर देते हैं और इसको धीमी आज को थोड़ा पकने देते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पक जाने के बाद। चलो आप देख लेते हैं हमारी भाजी पक गई है पूरी तरह से। देखिए अब भाजी का कलर देखिए और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है भाजी। ज्यादा सूखा इसको रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो इतना रोटी और पराठे के साथ खाने के लिए इतना तो होना ही चाहिए। ग्रेवी हल्की सी ग्रेवी है इसमें, ज्यादा सूखा भी नहीं है। अब हम सूखी धनिया डाल देते हैं इसके ऊपर से, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा इसका। देखिए अब इसको मैं आपको निकाल के प्लेट में दिखाती हूँ। बहुत लाजवाब भाजी बनी है अरवी की, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी। आप भी एक बार मेरे तरीके से बना के अरवी की भाजी खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसमें कोट में डाल देते हैं ऊपर से और देखिए देखिए भाजी कितनी अच्छी बनी है, एकदम अलग अलग एक एक अरवी के, जैसे आलू के फाकी होते हैं वैसे अलग अलग एक एक इसका ये है अलग अलग। देखिए बहुत अच्छा बना है, मसाला भी एकदम बराबर है, कलर भी बहुत अच्छा है। आप भी अपने घर में ऐसी बना के एक बार मेरे तरीके से खाइए, जरूर आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि हाँ ये आपको बहुत अच्छा लगा इसकी सब्जी। और जो जो मसाले मैंने डाला है उन मसालों में आप एक बार बना के देखिए, आपको जरूर पसंद आएगा। और मेरा अगर भाजी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो आप अगर हमें बताएंगे तो हम उसको सुधार करेंगे। और क्या रेसिपी हमारे हाथ से आपको चाहिए भाजी में या नाश्ते में, हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।